ये लोकांतिक देव पंचम स्वर्ग में, ब्रह्म स्वर्ग में एक भवावतारी अगले भव से मोक्ष जाने वाली केवल भगवान के तप कल्याणक में आते हैं। और हमारे विवेक जी प्रत्येक इन लोकांतिकों से अपनी भावना प्रस्तुत कर रहे हैं। लोकांतिक देव अपनी वैराग्य भावना ध्यान देंगे। इतनी सभा यहाँ बैठी है, जब पालकी के बाद आज जब राजा ऋषभ देव दीक्षा लेंगे, मैं चाहूंगा इस सभा में कम से कम जितनी सभा है पूरी सभा अष्टमी चतुर्दशी और पर्व के लिए ब्रह्मचर्य अंगीकार करेगी। हम केवल वाणी में ही सूरवीर ना बने रहें, हमारी परिणति में भी संयम और धर्म आना चाहिए। लोकांतिक अपनी भावना प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए पहले नंबर, आप बिल्कुल हास्य का विषय नहीं बनाएं, इसे केवल आप शांति से सुने। इसमें ना कोई भजन है ना गीत है। हे प्रभु हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। हे प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे राजन मैं आपके वैराग्य की अनुमोदना करता हूँ। हे युवराज आपकी जय हो, आपने जैनेश्वरी दीक्षा का संकल्प किया है, आपकी महानता है, हम आपके वैराग की अनुमोदना करते हैं। हे सौम्य मुद्राधारी, कालांतर में आप केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करेंगे, जिससे आप स्वयं तो प्रकाशित होंगे ही साथ ही तीन लोक के पदार्थ उसमें प्रकाशित होंगे। हे वैराग्य मूर्ति, आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सुशोभित हैं। आपके रत्न की हम अनुभोदना करते हैं। हे संयम अनुरागी, हम आपके इन वैराग्य परिणामों की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। जय हो प्रभु की जय हो, जय हो। कुछ लोकांतिक तो यूएसए से आए हैं इसमें, हाँ, जिनको हिंदी भी नहीं आती और इस आर्यावर्त में आकर अपनी जिह्वा को धन्य कर रहे हैं बोलकर वो। हे मोक्ष मार्ग अनुरागी, सिद्धों के मार्ग पर आगे बढ़ने के आपके भाव धन्य हो। हे संयम अनुरागी, हम आपके वैराग्य परिणामों की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। आपकी जय हो। हे आदि कुमार, आप मुनिराज बनकर अपनी आत्मा की साधना करें और मोक्ष प्राप्त करें, यही हमारी मंगल भावना है। आपके वैराग्य की जय हो। हे मुनिराज, हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मत जा। हे प्रभु आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेद्यारं कर्म भूव्रता ज्ञातारं विश्व तत्वाना वंदे तद्गुण लब्धये। आप मैं आपके वैराग्य की अनुमोदना करता हूँ। आपकी जय हो। हे आदि कुमार,
सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण रूप निज परमात्मा द्रव्य है, वही मैं हूँ। आपके इस निर्णय की हम अनुमोदना करते हैं। हे संयमी इंद्रियां स्वयं और प्राणी स्वयं को धारण करके आप स्वयं का धारण करेंगे। स्वयं का आदर करने से आप स्वयं ही आदरणीय हो जाएंगे। हे स्वामी, आप जन हैं। हे राजय, इंद्रियों एवं कषायों को जीत कर आप अपनी विजय पताका त्रिलोक में फहराएंगे। हे अति इंद्रिय सुख के वांछक, आप धन्य हैं, आपकी जय हो। हे पतित पावम, आप पतितों का उद्धार करेंगे। आपका कार्य निश्चित रूप से शोभनीय है। आपकी वैराग्य भावना में हमारी अनुमोदना है। हे प्रभु, आप शुक्ल ध्यान की अग्नि में कर्मों का ईंधन जलाकर अनंत चतुष्टय को प्राप्त होगे। आपकी वैराग्य भावना में ऐसी हमारी अनुमोदना है। हे सर्वरसिक, जगत के राग को आपने पूरा पूरा है जानकर जगत के सामने एक आदर प्रस्तुत किया है। आपकी वैराग्य भावना में हमारी अनुमोदना है। हे आत्मरसिक, मैं आपके वैराग्य की अनुमोदना करता हूँ, आपकी जय हो। हे मोक्ष मार्गी, आप मोक्ष मार्ग की सीढ़ियों में चढ़ते जा रहे हैं, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे महान त्यागी, आप दश धर्म एवं 12 तपों को धारण करेंगे। आप 22 परिश्रों को जीतेंगे। आप सचमुच में महान दिग्विजय हो। धन्यवाद। हे निर्विकल्प त्यागी, आप रत्नत्रय से सुशोभित हो रहे हैं। इन तीनों रत्नों को प्राप्त करना समुद्र में से रत्न निकालने से भी बहुत कई गुना कठिन है। हे महान त्यागी, हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, आप सचमुच धन्य हो, धन्य हो। हे राजन, बृहस्पन्न त्यागने का जो महान विचार आपने करा है वह वास्तव में अति प्रशंसनीय है। आपके गुणों का बखान करना तो सूर्य को दीपक दिखाना है। हे उत्कृष्ट वैरागी, आपने जो मुक्तिपुरी को प्राप्त करने का संकल्प किया है, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे स्वानुभव ऋषि, आप स्वयं तो अपना हित करेंगे ही, साथ ही जीवों के ताने में भी निमित्त बनेंगे। हे परोपकारी, आप धन्य है। आप समझ गए होंगे शायद। हे प्रभु, हम आपकी इन्य वैराग्य परिणाम की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, आपकी जय हो। हे चैतन्य रसिक, वेदशय के प्रति आपकी उदासीनता में ही हमारी अनुमोदना है। हे संयम प्रेमी, हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, आपकी जय हो, जय हो, जय हो।
हे दीक्षा ग्रहक, आप 28 मूल गुणों का अखंडित रूप से पालन करेंगे, जो कि रागियों के लिए बहुत ही कठिन कार्य है, परंतु आपके लिए तो अत्यंत सरल है। आपकी आप धन्य हो, जय हो। हे ज्ञानी, आपने अपने ज्ञान को ही श्रेष्ठ जाना और उस ज्ञान में ही अंतर्मग्न हो गए। आपके ज्ञान की हम क्या महिमा करें, आपकी जय हो। हे शुद्ध आत्म, आप अपने आत्म साधना पूरी करे और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करे, यही हमारी भावना है। हे प्रभु, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर आप तीन लोक के कल्याण में निमित्त हो बनेंगे एवं त्रिलोक के पूज हो जाएंगे। आपका यह कार्य निश्चित ही महान है। हे निराश्री, आपने स्वयं का आश्रय लेकर इंद्रियों की परधीनता को त्याग दिया है और भोग भावनाओं को दूर भगा दिया है। आप ही सच्चे योग हैं और आपकी योग साधना में हमारी अनुमोदना है। हे राजन, ध्यान के मार्ग पर आप आगे बढ़ रहे हैं, जो अत्यंत सराहनीय है। सम्यक तो दशा को प्राप्त कर अपने मिथ्यात्व को पछाड़ दिया है, अब आप चारित्र मोह को भी परास्त करेंगे। हे शुद्ध उपयोगी, जंगल में वास करके आप एक मल कार्य करने जा रहे हैं। यह मांडलिक कार्य दुर्लभ है, परंतु आत्मा की शरण लेकर आप इसे सुलभ कर दे रहे हैं। हम आपके आदरणीय हैं। हे शिव पुरपथिक, आपने जो यह वर्तमान में यह जो महान कार्य किया है, यह अति अनुमोदना के पात्र है। हम भी शीघ्रातिशीघ्र जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके भगवत दशा को प्राप्त होंगे। यही हमारी भावना है। हे त्रिलोकनाथ, आपने परतव्य का ममत्व त्याग कर जो उत्तम कार्य किया है, हम उसकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। हे चैतन्य रसिक, आपने दीक्षा लेने का निर्णय करके महान पुरुषार्थ का काम किया है। आपने संसार के असार भोगों को छड़ेक और शरीर को नश्वर समझकर सत्य का सत्याक्षर करा है। हम भी आप समान वैराग्य लेने का संकल्प करते हैं। हे प्रभु, हम आपकी अनुमोदना करते हैं। इस प्रकार पंचम स्वर्ग से आए हुए, पंचम स्वर्ग के सारे देव लोकांतिक नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए पंचम स्वर्ग से आए हुए लोकांतिक देवों ने राजा ऋषभ देव के वैराग्य की अनुमोदना की। ध्यान देना, अभी वो मुनि नहीं बने हैं, उनके चित्त में वैराग्य चल रहा है,